हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के दिन की और देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, इज इट लाइव? बताइए, कल ये टूट गया बेचारा। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आइए जरा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं आज के सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार इसे सेशन को ना अपने 200 तक भी पहुंचा दिया करिए, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेशन। मुझे पता है ये काम तुम नहीं करते हो। चलो, सबसे पहली चीज, क्लासेस की जो PDF है वो आपको यहाँ से मिल जाती है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा SSC महापैक जो है, जो कि आपके सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, आज इसका है आखिरी दिन, यानी कि टुडे इज द लास्ट डे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। SSC GD का भी महापैक है आपके लिए, जहाँ पे आपको सारे एजुकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। अमाउंट इज ओनली दिस, ठीक है? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। राजन, इतना नेगेटिव मत सोचो, देख ठीक है, पेपर अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बट अभी ऐसा कुछ आया तो है नहीं कि भाई पेपर के जो क्वेश्चंस हैं या पेपर जो है वो लीक हुआ है तो कैंसिल होगा। बिहार का तो ये एक तरीके से रिवाज है कि पेपर कराते हैं, उसके बाद में फिर वो लीक की न्यूज आती है, फिर कैंसिल होता है, फिर होता है, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, ठीक है? चलिए, पल्लवी, हरे कृष्णा, शुभम, समर, विशाल, इनोसेंट, श्याम मोहन, जबलपुर, समर। आज समर पहले ही आया है, क्योंकि समर को लग रहा है कि आज भी शायद कोई ऐसी न्यूज हो जो मेरे नाम के साथ में जुड़ी हो, है ना? सृष्टि, सौम्या, बंटी, तनिषा, गौरी, तीनिया, संजय, नुसरत, जसप्रीत, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। UK 21, वर्षा, प्रशांत, SS, वेरी वेरी PK, सोनाली, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए बात करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे के बारे में। दुनिया, हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। बिल्कुल सही बात है। आप देखो, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसको आपको देख के भी डर लगता होगा कि अरे यार, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो बस मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है, है ना? कई बार ऐसा होता है, मतलब थिंक इज कि अगर आप किसी चीज़ के लिए काम करते हो तो फिर वो चीज़ें आपको डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके अलावा कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, रोहित, यूजर, सीमा, अक्षय, ल्यूटिनेंट, नीतू, मोहित, चंद्रा, सपना, लकी, जून, अच्छा जून ये कैसा नाम है, जून। चले, इन सभी बच्चों ने यहाँ पे इसका आंसर किया है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी आंसर करेंगे। सो दैट, देखो आंसर करने से क्या होता है ना, आपके दिमाग में उन वो जो पर्टिकुलर न्यूज है ना, उसका बहुत सारा कॉन्टेंट घूमने लगता है, ठीक है? रोहित, सुरजीत, सक्षम, ठाकुर, भूला, नंदिनी, सुनील, जूही, अनु, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्पाइसी, ओए होए, रावण, मोहित, विशाल, आई एम ऑल गुड। चलिए तो आइए, तेजा, हाँ बताओ क्या समस्या आई है? नहीं विशाल भैया, ऐसी बात नहीं है, विशाल यादव भैया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। प्रिया, राहुल, नोबिता आया है क्लास में यार, अमर, तीनिया, सोनम, वेरी गुड मॉर्निंग, सक्षम, गुड मॉर्निंग। सो सभी ममाज बॉय, सभी पापास परी को है गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ पे रेमिटेंसेस के बेसिस पे एक रिपोर्ट आई है, वहां से शुरुआत करेंगे। चाइना के अंदर अर्थक्वेक आया है वो देखेंगे, साथ ही साथ में हम लोग एंड अप करेंगे पेटा के अवार्ड के साथ में और IPL में जो ऑक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में आज का अपना जो स्टेट ऑफ द डे है वो रहेगा हरियाणा और MPPSC के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो उनको लेकर आए, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए तो आइए जरा आगाज करते हैं, उम्मीद करेंगे ऑल आर गुड टू गो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से विच कंट्री लीड्स अ ग्लोबल रेमिटेंसेस चार्ट, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां से आपको सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस देखने को मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया इज द राइट आंसर। आइए जरा इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको पहले एक और नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इसका पहला? IBRD के नाम से इसको जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है। कब बनता है? 1944 में। काम कब से शुरू करता है? 1945 से। और इसी की छोटी बहन है जिसका नाम है IMF। क्या नाम है? IMF। तो वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा जारी किया है, है ना लक्ष्मी? नहीं, इंडिया, इंडिया ही तो है नंबर वन पे, ठीक है? सनी, मिस्टर आर के,
सम्राट, शिशिर, हिमांशी, पल्लवी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो वर्ल्ड बैंक है इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया जाता है? इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि कहां से कितना ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, साथ ही साथ में वहां से जो पैसा आ रहा है वो पैसा कितना है। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कल को मनोज भैया है, ठीक है, मनोज भैया कहाँ रहते हैं? इंडिया के अंदर रहते हैं, लेकिन इनकी जॉब लग गई कहाँ पे? यूएस के अंदर इनकी जॉब लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गए जॉब करने के लिए। अब यहीं पर मनोज को मनोजी पसंद आ गई, है ना? कौन पसंद आ गई? मनोजी पसंद आ गई। इन्होंने यहाँ पे ब्याह कर लिया। अब ब्याह करने के बाद में ये यहीं पे सेटल हो गए, लेकिन इनका घर परिवार, इनकी फैमिली जो है वो तो इंडिया में है ना, तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये उनकी देखभाल करें, उनके लिए पैसे भेजें। तो यहां से ये क्या करेंगे? पैसे भेजेंगे अपने घर पर। तो इंडिया के लिए ये क्या है? रेमिटेंसेस। इंडिया के लिए क्या है? रेमिटेंसेस, ठीक है। अगर देखा जाए तो रेमिटेंसेस जो होते हैं ये एक तरीके के गिफ्ट होते हैं, मतलब पैसे ही होता है, लेकिन माना इसको गिफ्ट जाता है क्योंकि ये दूसरे देश से आ रहा है, कहाँ पे? हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया, इसके लिए जो डेटा है इसको जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है ना, सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वो इंडिया से होता है, और इंडिया के लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर जाते हैं? यूएसए के अंदर जाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि यूएसए से लोग जो हैं वो पैसा भेजेंगे कहाँ पे? भारत के अंदर। और जब वो भारत के अंदर पैसा भेजेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेमिटेंसेस, ठीक है, वो कहलाएगा रेमिटेंसेस। हाँ, हमारे लिए जीएनपी है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए जीएनपी है, जीडीपी नहीं है। चले, ये तो बात हो गई इसके बारे में। तो कितना पैसा यहाँ पे आया है? तो करीबन इतने अरब, ठीक है, करीबन इतने अरब जो है वो इंडिया के अंदर रेमिटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो दूसरे नंबर पे आप देखोगे मैक्सिको है, हमें वो याद नहीं रखना है। सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा? सेकेंड नंबर पे मैक्सिको है। अपने लिए कौन इंपॉर्टेंट है? इंडिया जो है वो आपको नंबर वन पे देखने को मिल रहा है, ठीक। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर भारतीय कहाँ जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं, वहां से पैसा अपने घर परिवार, अपनी फैमिली को भेजते। इतना करीबन यहाँ पे जो रेमिटेंसेस है वो भारत के अंदर आता है, ठीक। रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की, ये याद रखना, रिपोर्ट है किसकी। ओके, चलिए भाई इतना लेट ना आया करो क्लास में, थोड़ा समय पर पहुंचा करिए। तो इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड इजिप्ट, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? हमारे लिए इंडिया इम्पोर्टेंट है, तो नंबर वन पे आपको इंडिया दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो, यहीं पे बता देते हैं, ये जो रिपोर्ट आई है ये क्यों आई है, तो 18 दिसंबर को आपने देखा था, एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था माइग्रेशन डे। कौन सा दिन पढ़ाया था? माइग्रेशन डे मैंने आपको पढ़ाया था, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। क्या थी? प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, प्रवासी दिवस की बात करते हैं, तो इंडिया में जो प्रवासी दिवस है ये कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और ये क्यों होता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी भारत में वापस आए थे। कब आए थे? तो 1915 में। तो यहाँ पे उसी के उपलक्ष में एनआरआई डे या फिर प्रवासी दिवस जो है ये मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए, अब देखो ये सवाल है, ये एमपीपीएससी के सवाल है, मैंने कुछ क्वेश्चन जो है उनको पिक किया है। आइए देखते हैं सवाल। कहा जा रहा है कि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना? हाँ रोबन, बिल्कुल, यूपीएसआई के लिए तो तुम सही जगह पे हो ही, तुम्हें बस यहां से पढ़ना है और बाकी जीए शाम को 6 बजे होती है, वहां से पढ़ना है, ठीक। अब तो कोई ये भी मतलब जानते ही हो क्या बोलना है। हाँ जी बताइए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बी, सॉइल प्रिपरेशन होगी, सोइंग होगी, इरिगेशन होगा, हार्वेस्टिंग होगा। अच्छा, बी, बी बिल्कुल सही बात है भाई। पहले क्या किया जाएगा? पहले मिट्टी को तैयार किया जाएगा, फिर वहां पे चीजों को बोया जाएगा, फिर उसमें पानी लगाया जाएगा, और फिर उसमें क्या होगा? हार्वेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। अगला क्या है? ये देखो, इतना लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे इन्होंने पूछी है, ये न्यूज हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। बताओ, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डेटा निकाल के सवाल बनाया गया है, ये न्यूज आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आज आई है ये न्यूज।
देखिए, who declared the year 2024 as international year of camelid? अभी आगे हम आपको ये पढ़ाएंगे. इसका करेक्ट आंसर है UN. आप सबको पता है कि जो UN है ना, इन्होंने 2023 को सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. ठीक है, और ये यहाँ पे इस बार का जो साल है 2024 का, ये किसके लिए है? कैमलेट्स के लिए. इंदु आइए क्लास में, और बाकी राजस्थान वालों अभी इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग कुश. अगला देखिएगा, नॉट ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट. आपको बताना है भारत के अंदर ऐसी कौन सी इसमें से जगह है जो कि हॉटस्पॉट नहीं मानी जाती है. हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट है वो तो वेस्ट बंगाल है. ये जो सुंदरबन है ये भी आपको एक तरीके का हॉटस्पॉट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी स्पीशीज पाई जाती है. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो भी आपको यहीं पे मिलते हैं. सुंदरी ट्री जो है वो भी आपको यहीं पे मिलती है. रॉयल बंगाल टाइगर ये भी आपको यहीं पे मिलते हैं. तो कौन सा नहीं है? तो ये है नारो हिल्स. ये जो है ना, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है और नेशनली एक्सेप्टेड भी नहीं है. अगला देखिएगा, कहा जा रहा है कि इसरो ने सन की स्टडी के लिए इसमें से कौन से मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आदित्य L1. मैं आपको बता दूं, इस संडे को शाम को 8 बजे आपके लिए एक सेशन आएगा कि 2023 में कितने आपके मिशंस लॉन्च किए गए, चाहे वो इसरो का हो, चाहे आपका यूरोपियन यूनियन हो, चाहे नासा हो, चाहे जापान हो. ठीक है, उसका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और इस संडे को आपके लिए ये सेशन शाम को 8 बजे होगा. फाइन. हाँ जी, ये है कैमेलॉइड्स. अभी आपने नाम सुना ना, कैमेलॉइड्स. आइए इनके बारे में जानते हैं. सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे, अरे छत्तीसगढ़ भैया बड़े दिनों के बाद. चलिए सुनिएगा, यूएन के द्वारा अभी हाल ही में 2024 को किस रूप में मनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स. भाई साहब, एमपी वाले इतना आगे चल रहे हैं कि उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डेटा निकाल दिया. बताओ. चलिए, अब ये कैमलेट्स होते क्या है पहले तो जरा देख लो इनके बारे में, है ना. ये देखिए, ये क्या है? ये ऊंट है जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है. ठीक है, नॉर्मल ऊंट है. अब ये क्या है, इन्हें बोला जाता है क्या? कैमेलिड्स. दिखाई दे रही है आपको कैमेलिड्स, कितने प्यारे से इनकी आंखें, इतनी छोटू छोटू सी आंखें नजर आ रही हैं. इनके ऊपर की तरफ देखोगे तो जैसे ऊन होती है ना, ऊन, बिल्कुल उस तरीके से इनकी बॉडी आपको दिखाई दे रही है. दिख रही है? ये होते हैं. हाँ, SSC से भी आगे निकल गया. ये आते हैं कैमेलिड्स, और इनको रखा गया है कौन सी फैमिली के अंदर? कैमेलिडा फैमिली के अंदर इनको रखा गया. फाइन, चलिए बहुत अच्छी बात है. तो इस फैमिली के अंदर क्या क्या आते हैं? इस फैमिली के अंदर कैमल आते हैं, ऊंट आते हैं, साथ में आप देखोगे बैक्टीरियन कैमल भी आते हैं. क्या आते हैं? बैक्टीरियन कैमल, ये भी आपको देखने को मिलते हैं. और कुछ कैमल ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, डबल हुडेड होते हैं. मतलब उसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से और इस तरीके से होता है. ये आपको कहाँ पे मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं गोबी डेजर्ट वाले एरिया में. ठीक. अच्छा, अब इनकी खास बात क्या है? इनकी जो खास बात है ना, ये आपको यहाँ पे जो फोटो इनकी दिखाई दे रही है, ये लोग हमेशा वहां पे पाए जाते हैं जहाँ पे सूखा ज्यादा होता है, यानी कि जहाँ पे एरिड होता है, शुष्क एरिया होता है, वहां पे ये पाए जाते हैं. अच्छा, किस जगह पे होंगे? तो ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ये आपको देखने को मिलेंगे. अगली चीज, इनकी जो बॉडी का ये ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है ऊन के रूप में, वूल के तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं. कई सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे इनका जो मिल्क है वो भी पिया जाता है, और कई सारी जगह पे इसको मीट के रूप में भी खाया जाता है. ठीक है. अच्छा, और क्या होता है? ये हर्बीवोरस होते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये आपको हर्बीवोरस देखने को मिलेंगे. चलो ठीक है, हर्बीवोरस भी हो गए. और क्या इनकी खास बात होती है? ये जो होते हैं ना, इनमें एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है डूला. ये क्या है? ये एक ऑर्गन होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है. अच्छा, क्यों भाई, क्यों? तो ये जो ऑर्गन होता है ना डूला, ये मेल्स में इसलिए होता है ताकि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इनके बारे में सारी जानकारी बता दी है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये कितने देशों में पाए जाते हैं. तो करीबन ये 90 देशों में पाए जाते हैं. अगर बात की जाए कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, तो कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया एंड अफ्रीका. वैसे पाए साउथ अमेरिका में भी जाते हैं, बट ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं. ठीक है, चलिए. तो यूएन ने क्या बोला है?
यूएन ने बोला है कि आने वाला जो साल है वो हम इन्हीं को डेडिकेट कर रहे हैं। क्यों डेडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे करके क्या हो रही है, कम हो रही है, और लोगों को इनकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि ये हमारी लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए यहाँ पर इसके लिए पूरा साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। तालियां, कितने खुश हो जाते हैं, वाओ, हैं? वाओ वाली फील आती है, लुकिंग लाइक अ वाओ। चलिए ओके, तो यहाँ पर जो मेन रीजन है वो ये है कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझ में आनी चाहिए, इसलिए इस पूरे ईयर को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर मिलेगा। ये कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर इसको बनाते हैं, 1944 में बनता है, 1945 से काम करना शुरू करता है। हेड कौन हो जाएंगे यूएनओ के? एंटोनियो ग्यूटेरेस। कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरेस हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए इसकी सब यूनिट्स कहाँ हैं, तो एक सब यूनिट इसकी जेनेवा के अंदर भी है, वो याद रखिएगा। ये क्या है? इसकी सब यूनिट है, ठीक है ओके। इस बार 2023 को सेलिब्रेट किया गया था ईयर ऑफ मिलेट। किस रूप में? ईयर ऑफ मिलेट के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलता है, तो राजस्थान के अंदर, ये है मोटा अनाज। साथ में इंडिया के अंदर रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनेगा? रिसर्च सेंटर कहाँ पे होगा? हैदराबाद के अंदर बनाया जाएगा। कहाँ? हैदराबाद। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इंडिया ने मिलेट के लिए ईयर कब सेलिब्रेट किया था, तो इंडिया ने 2018 में ये ईयर नेशनल लेवल पर मनाया था। ओडिशा ने कब सेलिब्रेट किया था? ओडिशा ने 2017 में मनाया था। इसके लिए स्कीम कौन सी है अपने यहाँ पे, तो पीएम अन्नश्री योजना, पीएम अन्नश्री योजना ये अपने यहाँ पर आई है, ठीक है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने इस पर्टिकुलर न्यूज के साथ में। आइए आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं हीरोज ऑफ द डेजर्ट एंड हाईलैंड्स, नरिशिंग पीपल एंड कल्चर, ईयर ऑफ कैमलेज, ठीक है, ये यहाँ पे आपके सामने। फाइन, अच्छा अब एक सवाल और बनेगा कि भाई IUCN के अंदर अभी इनका स्टेटस क्या है, तो अभी इनका जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं इंडेंजर्ड की तरफ, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया गया। अच्छा, यूएन ने इसको किसके साथ में अनाउंस किया है? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, और 1945 में इसको बनाया गया। तारीख क्या है? 16 अक्टूबर इनके साथ में मिलके ये अनाउंसमेंट किया गया है। चलिए सवालों पे आते हैं, फटाफट बताइए बताइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम इसमें से कौन सा देखने को मिलेगा। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ओशियन का जो इकोसिस्टम है वो सबसे स्टेबल होता है, बट यहाँ पे देखो ओशियन नहीं लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो मैराइन इकोसिस्टम हो जाएगा। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। आपने देखी थी ना एस्पिरेंट, याद है? उसमें आपने देखा था कि शुरुआती किससे होती है, बॉटल को खोला, ढक्कन निकाला, उसे तोड़ के बॉटल के अंदर डाला, एंड दैट इज क्या हो जाएगा? प्लांट बेस्ड होगा, फूड होगा, कि ये होगा, कि ये होगा, जल्दी बताओ, कि पेपर होगा, इंसेक्टिसाइड्स होगा, क्या होगा? इंसेक्टिसाइड्स होगा, बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा? इंसेक्टिसाइड्स। लेकिन अगर यहाँ पे प्लास्टिक्स दिया होता ना, तो फिर यहाँ पे आंसर क्या होता? प्लास्टिक्स होता। अगले पे आइए, मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ दी हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस के लिए मैक्सिमम एज जो है ये पहले 60 साल हुआ करती थी, अभी कितनी हो गई है? 62 ईयर्स हो चुकी है। अगर यहीं पे हम सुप्रीम कोर्ट की पूछेंगे तो ये कितनी है? 65 ईयर्स है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन किया गया है जिसके अंदर नगर पालिका को जोड़ा गया, तो ये कौन सा होगा? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 में लागू होता है। अगला, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, तो ये रिपन चाचा को बोला जाता है, इनका नाम भी कई बार पेपर में आते ही आता है, तो आ गया, ठीक है। चलो चलते हैं, भूकंप की कुछ बातें शाते कर लेते हैं, है ना। आइए देखिए क्या हुआ है, चाइना के अंदर डेडिएस्ट अर्थक्वेक आया है। कितने सालों बाद आपको ये अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है, तो बताया गया है कि करीबन 13 सालों के बाद में ऐसा भूकंप आया है। भगवान जाने कि ये सब करना क्या चाहते हैं, है ना, ये सब करना क्या चाहते हैं। एक हेडक्वार्टर वाला भी क्लास, ठीक है, आई विल। चलिए देखिए, चाइना की अगर हम बात करें तो पहले मैप पे आओ,
हाँ जी, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये मैप नजर आ रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये है पूरा चाइना का एरिया। यहाँ पे ऊपर के साइड पे आप देखोगे तो ये जगह है कौन सी, गांसू। क्या नाम है जगह का? जगह का नाम है गांसू। ये एक प्रोविंस है जहां पे आपको भूकंप देखने को मिला है। अब पहले हम इस प्रोविंस के बारे में जान लेते हैं कि ये जो जगह है ये कहाँ है। तो ये जो जगह है ये आपको तिब्बत और ऊपर के साइड पे मंगोलिया, कहाँ पे, तिब्बत और मंगोलिया के बीच में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी जगह पे क्या है, एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है लोएस प्लेट्यू। क्या नाम है? लोएस प्लेट्यू, जहां पे आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का जो टेम्परेचर है दैट इज -13 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब कोई बात नहीं, SSB टेम्परेचर देख रहे हो -13 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर मुझे लगता है 20 चल रहा है और उसमें इतनी सर्दी हो रही है, यहाँ पे तो -13 है, ठीक है। इतना टेम्परेचर ऑलरेडी था तो लोग यहाँ पे वैसे ही परेशान घूम रहे थे। लेकिन परेशानी के साथ साथ में क्या हो गया, चाइना के अंदर अर्थक्वेक आया, वो भी रेक्टर स्केल पे। कितना देखने को मिला? 6.2। कितना? 6.2। कहाँ पे? चाइना के अंदर। बताया गया है कि ऐसा 13 सालों बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला है। चलिए ठीक है, जब यहाँ पे मैंने इसका कॉन्टेंट पढ़ा था तो यहाँ पे टोटल 118 डेथ हो चुकी थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके घर वर टूट चुके थे, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है करीबन 5000 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और सरकार के द्वारा, यानी कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, उनके द्वारा बोला गया है कि 200 मिलियन कौन सी करेंसी होगी यहाँ पे, युआन। ये पैसा जो है, ये अमाउंट जो है, ये यहाँ पे इन लोगों के लिए दिया गया। चलो ठीक है, पैसा दिया गया सो दिया गया, फाइन। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि ये इतना भयानक अर्थक्वेक जो है ये आया कैसे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी भूकंप आता है, जब भी अर्थक्वेक आता है, तो वहां पे क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक होगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं प्लेट टेक्टोनिक हो, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे अगर माइनिंग की जाती है तो वहां पे ब्लास्ट किया जाता है तो उससे भी आपको अर्थक्वेक फील होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है वो आपको देखने को मिली। तो कौन कौन सी प्लेट टकराई है अभी देखो जरा। पहली है यूरेशियन प्लेट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, होगी होगी। दूसरी है इंडियन प्लेट, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और तीसरी है पैसिफिक प्लेट। कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। ये तीनों प्लेटें आपस में टकराई हैं जिसकी वजह से इतनी तेज आपको भूकंप देखने को मिला है। अगर यही इसी का जो इपी सेंटर है, इसका अगर इपी सेंटर पानी के अंदर होता, है ना, तो उसे हम क्या कहते, उसे हम सुनामी कहते। और सुनामी जो है ये जापानीज लैंग्वेज का शब्द है। किसका शब्द है? जापानीज भाषा का शब्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब मुद्दा यहाँ पे ये आया कि अगर मान लीजिए भूकंप आया है तो क्या वहां पे ज्वालामुखी होगा? जी नहीं, अगर ज्वालामुखी आया है तो वहां पे भूकंप होगा। दोनों लाइनों में फर्क है, ठीक। चलिए ये तो हो गया। आसाम में 13 डिग्री है। अच्छा, यू आर फ्रॉम हरियाणा, आज हरियाणा ही स्टेट आएगा, अभी हम लोग चलेंगे हरियाणा ही पढ़ेंगे आज, ठीक। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी मिलते हैं, तो वो जगह कौन सी है? रिंग ऑफ फायर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी जो प्लेटें हैं, माइनर प्लेट्स हैं, वो आपको देखने को मिलती है। एक मेरा छोटू सा सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल में एक प्लेट थी जिसको बताया गया था कि एक ये नई प्लेट पाई गई है, उसका बस नाम बता दो। पेपर में तो नहीं आएगा बट उसका नाम बता दो। कहीं पर 9-9 डिग्री है? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ पे तो 20 है जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी बताइए, पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ ये। हाँ पढ़ो भाई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, आपको ये क्लास पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है कि पुलिस के एग्जाम के लिए इसको पढ़ना है तो बताओ, फिर हम अपने पतिदेव को बुलाते हैं, ही विल टेल यू, ठीक है। ही विल टेल यू द स्ट्रैटेजी कि कैसे तुम्हें अपना एग्जाम क्रैक करना है। चलिए, मेरी बात पे तो यकीन होता ही नहीं वैसे भी तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, भूकंप देखने को मिला है चाइना के अंदर। ये मैंने आपको इसकी लोकेशन बता दी है, इस जगह का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए चलो चलो बताओ सवाल। कहा जा रहा है कि ये बताइए कि राज्य के अंदर जो मनी बिल आता है वो मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है?
बताएं, कोई बात नहीं एसएसपी। हाँ जी, ये कौन डिसाइड करता है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? स्पीकर। कहाँ का? विधानसभा का। लेकिन जब हम मनी बिल की बात करते हैं संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो ये याद रखिएगा कि वहां पे भी डिसाइड कौन करता है? स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अगला, द अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द एमपी। एमपी के असेंबली के अंदर सबसे पहले अगर हम स्पीकर की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? कुंजू लाल दुबे जी। अभी हाल ही में एमपी के अंदर नए सीएम कौन बने हुए हैं? मोहन यादव जी। कौन बने हैं? मोहन यादव जी अभी सीएम यहाँ बनाए गए। अगला है, वेयर इज तती पाका ऑयल रिफाइनरी। ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। किस जगह पे आपको मिलती है? जहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी अपना बेसिन बनाती हैं, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगी ऑयल रिफाइनरी। अगला क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी जो है वहां पे आपको कौन सा सी देखने को मिलता है? कितनी बार मैंने तुमको उसकी लोकेशन बताई है? 50 बार मैंने समझाया है। जल्दी आंसर करके बताओ कि उसके पास में आपको कौन सा सी देखने को मिलेगा? कौन सा होगा? भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा लेक मिलेगा, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपको डेड सी जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, अगला, इसको मैच करना है। एक तरफ जगह दी है, एक तरफ स्टेट का नाम दिया हुआ है। देखिए, बेला डीला, केंदुजोर, बालाघाट, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कुद्रेमुख आपको कहाँ मिलेगा? कर्नाटका के अंदर। ठीक, ये सबको पता है क्योंकि कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है। तो फोर जाएगा बी के साथ। देखो, फोर कहाँ जा रहा है? बी के साथ। अब आंसर या तो ये है या तो आंसर ये है, ये बाहर ये बाहर। अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बेला डीला। ये कहाँ होगा? बी बता रहे हो, बी। बेला डीला बताओ कहाँ होगा? छत्तीसगढ़। वन के साथ में सी को लेके जाओगे, छत्तीसगढ़। श्योर, बिल्कुल सही जवाब। ये आएगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चले अगले न्यूज की तरफ आते हैं। बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि आरती हो रही है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव हर साल इसका आयोजन किया जाता है और हर साल एक ही जगह पे इसका आयोजन किया जाता है। कौन सा सर ने हमसे पढ़ा? अरे नहीं यार, मजाक किया था मैंने। कैसी बातें कर रहे हो कैसी बातें कर दी तुमने। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा इज द राइट आंसर। आइए बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है ये हरियाणा के अंदर सेलिब्रेट होता है। किस जगह पे? कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में इसका आयोजन किया जाता है। अब इसमें होगा क्या? गीता महोत्सव है। क्या है? गीता महोत्सव, यानी कि जो गीता है ना, जो गीता है उसके महत्व को यहाँ पे बताया गया है। या आप ये कह सकते हैं कि गीता से जुड़ी हुई जितनी भी नॉलेज है उसके यहाँ पे क्या होते हैं? सेमिनार्स वगैरह होते हैं। उसके लिए आप देखेंगे तो बहुत सारी बुकलेट्स जो हैं वो जारी होती हैं, बहुत सारी जर्नल्स जो हैं वो जारी होती हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। कैसे? इंटरनेशनल लेवल पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। लेकिन किस जगह पे होता है? ब्रह्मा सरोवर। क्या है? ब्रह्मा सरोवर, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। किस जगह पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। फाइन, अगला, इस बार की थीम क्या रखी गई है? इस बार की थीम है वासुदेव कुटुंबकम। क्या है? वासुदेव कुटुंबकम इस बार की थीम को रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है? तो 7 तारीख से। अरे वो तारीख छोड़ो, बस ये जानो कि यहाँ पे कब तक चलेगा। 24 दिसंबर तक इसको मनाया जाएगा। अगर पूछा जाए कि पहली बार इसकी शुरुआत कब होती है, 1986 में शुरू होता है। अगर पूछा गया कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक्सेप्ट कब किया गया, तो इंटरनेशनल लेवल पर 2016 में एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि ये बताइए, क्या कभी इसका आयोजन भारत के बाहर हुआ है? जी हाँ, 2019 में कहाँ हुआ था? मॉरिशियस में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉरिशियस में हुआ था, और लंदन में इसका आयोजन किया गया था। तो फिर अगली बार कहाँ पर होगा? मुद्दा तो ये भी आता है ना कि अगली बार अगर होगा तो कहाँ पर होगा। तो अगली बार के लिए जान लीजिएगा, मतलब 2024 में। तो 2024 में यूएसए के अंदर होगा। एक्चुअल में इसमें क्या होता है ना, एक साल में दो बार होता है। एक बार इंडिया के अंदर तो होते ही होता है, और एक बार उसी सेम ईयर इंडिया के बाहर भी होता है। तो 2023 में इंडिया में अभी चल रहा है, तो 2023 में और कहां हुआ था? तो देख रहे हो,
इनके बारे में तो बात करने का मन ही नहीं करता आजकल मेरा। ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, आज का बॉम्ब सवाल, बड़े दिनों से पूछा नहीं था, इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा गीता पार्क कहाँ पर बनाया गया है, जल्दी से आंसर करके बताइए। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे भारी भगवत गीता कहाँ पर है, सबसे भारी हैवी वेटेड भगवत गीता कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा? पहले तो ये जान लो कि कितने केजीज की है, कहाँ पर है? मिलान में है। ओहो, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, मिलान के अंदर है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने तुम्हें दिखाया भी था जब अभी हम गए थे वृंदावन, है ना, इस्कॉन टेम्पल। हाँ जी, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बोलो। नहीं, इसका आंसर होगा कनाडा। क्या होगा? कनाडा इसका आंसर बनेगा, ठीक है। और कोविड के टाइम पे इसका आयोजन हुआ नहीं था, तो ये भी वैसे ये आंसर क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव जो किस चीज के लिए है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे काफी सारी बुकलेट जर्नल्स ये सब भी होती हैं जो हमारे यहाँ की जो कला है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उसको भी बढ़ावा देती है। 7 से लेकर 24 तक इसका आयोजन होगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक। ये आप देख सकते हैं फोटो, फाइन। आइए बात करते हैं, तो बताना चालू करो फिर हरियाणा के बारे में, शुरू हो जाओ, बताओ हरियाणा कैपिटल क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल होगी। किसके साथ अलग होके बना है? तो ये पंजाब से अलग होके बनाया गया है। हैप्पी बर्थडे कब होगा? तो 1966 में हैप्पी बर्थडे होगा। हिंदी भाषा के आधार पर इसको बनाया गया है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? 90, 10 और 5। ये यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्यूटी लेक देखने को मिलती है। कौन सी लेक है? ब्यूटी लेक। अगला है यहाँ पे ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड लेक भी यहीं आपको देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नाम से लगता नहीं है कि यहाँ पर होगी, ओके। इसके साथ में सूरज कुंड मेला, कौन सा मेला? सूरज कुंड मेला, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी एक और बॉम्ब सवाल पूछेंगे, रुके रहो, ठीक है। अभी एक और सवाल पूछेंगे, सूरज कुंड मेला हो गया, फाग यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, यूपी में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, लूर डांस होता है, झूमर डांस जो है ये भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये कुछ आप, अच्छा हाँ डाप, ये भी याद रखो। अब तुम मुझे अभी ये बताओ कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है ना गीता महोत्सव, इसमें कौन सी स्टेट पार्टनर में देखने को मिलेगी? हाँ, बताएं आंसर, ताओ से पूछो। हाँ कविता, ताओ से पूछो वाली योजना भी यही की है। बताइए कैपिटल ऑफ हरियाणा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ड्रीम सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, यूपी, अरे ना भाई ना, यूपी नहीं है इस बार, यूपी नहीं है इस बार, इसीलिए आज तक खुश होकर सुबह सुबह आया था, देख रहे हो, आसाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हरियाणा को कब बनाया गया था? तो 1966 में बनाया गया था। हिंदी और हरियाणवी जो भाषा है वो यहाँ की आपको प्रमुख भाषा देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको कितने देखने को मिलेंगे बताइए? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको कितने देखने को मिलेंगे? 22। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताओ, प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर जी। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। गवर्नर बताओ कौन है? गवर्नर बताओ कौन है? अगला, एरिया की अगर हम बात करें तो इसका एरिया आपको टोटल कितना देखने को मिलता है? करीबन 44, करीबन इतना स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेगा। गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय, हाँ हाँ हाँ, सोच के बताओ, बंदारू दत्तात्रेय पक्का? पक्का नारायण आर्या जी नहीं होंगे? बंधारू दत्तात्रेय, ठीक है। चलो एरिया मैंने आपको बताई दिया। अगला, हॉटेस्ट मंथ ऑफ हरियाणा, हरियाणा के अंदर जो सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है वो कौन सा होता है? तो ये मई और जून का समय आपको देखने को मिलेगा। अगला है, यहाँ पे जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, यानी कि यूनिकैमरल है या बाइकैमरल है, तो ये कैसा होता है? ये होता है यूनिकैमरल, ठीक, ओनली विधानसभा। अगला, सीट डज हैव राज्यसभा, राज्यसभा के लिए यहाँ पे आपको टोटल कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? अभी मैंने तुम्हें बताया 90, 10 और 5, तो कितनी हो गई? 5।
अगला है लोकसभा, तो अभी मैंने आपको बोला 10. हाउ मेनी साइड डज हरियाणा कवर दिल्ली, दिल्ली और हरियाणा कितना बॉर्डर लगेगा बताओ. दिल्ली और हरियाणा कितना बॉर्डर लगेगा बताएं. बोलो कितने साइड से कवर हो रहा होगा. 3 साइड से कवर होगा. बिल्कुल सही जवाब, 3 साइड से होगा. हाउ मेनी टाइम्स वॉज बंसी लाल इलेक्टेड एज अ सीएम ऑफ हरियाणा. बंसी लाल सीएम ऑफ हरियाणा, ऑब्वियसली बात है ज्यादा बार अपॉइंटमेंट हुआ होगा, इसीलिए ये सवाल मैंने यहाँ पे आपके लिए बनवाया है. बताएं, बोले बोले जल्दी बोले, वरना आज तो बेटा तुम्हें ये होमवर्क ही हम दे देंगे. हैं? 5 बार, 4 बार, सोचो सोचो. हाँ ये झील भी आपको यहाँ पे मिलेगी, बिल्कुल सुंदरलाल यहाँ पे झील भी मिलेगी. 5 बार सोचो क्या होगा. बेटा चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ. चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ है. पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है, ठीक है. प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे कितनी बार लग चुका है, करीबन 3 से 4 बार लगा है, बट 3 बार ही यहाँ पे बोला जाता है. ओके ये तो बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है. तो इतनी बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है हरियाणा के बारे में. आइए, एक लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया. सवाल, कहा जा रहा है आनंद मैरिज एक्ट. देखो इसमें हिंदी ऊपर लिखी हुई है, कोई बात नहीं. आनंद मैरिज एक्ट, इसको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी लागू कर दिया गया. क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये किस से जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है. तो ये जुड़ा हुआ है किसके साथ में, सिख मैरिज के साथ में. आइए पहले हम लोग इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. आनंद मैरिज एक्ट है ना, क्या है आनंद मैरिज एक्ट, ये एक्ट होता क्या है. ओके देखिए, ये जो एक्ट है ना, ये पहली बार, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार जब ये एक्ट आता है, तो ये एक्ट भारत के अंदर कब आता है, तो ये आता है 1909 में, यानी कि ब्रिटिश एरा के समय पर आपको भारत के अंदर ये एक्ट देखने को मिलता है. इस एक्ट को किसके द्वारा लाया गया था, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, इनके द्वारा इसको लाया जाता है, ठीक है. अब इसमें उस समय पे क्या था, उस समय पर इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि जो सिख कम्युनिटी है उनकी जो शादियां होती हैं, है ना, उनके यहाँ पे जो शादियां होती हैं उनको एक मान्यता दी जा सके, ठीक है ना, उनको क्या दिया जा सके, एक उनको मान्यता दी जा सके, इसलिए यहाँ पे इस एक्ट को लाया गया था. यानी कि इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको रिकॉग्निशन देने के लिए ऐसा किया गया. चलिए ठीक है, उस समय पे ये जो सिख लोगों की शादियां होती थी, इसे आनंद करज के नाम से जाना जाता था, आनंद करज के नाम से जाना जाता था, ठीक है. लेकिन ये ब्रिटिश टाइम का कानून है, फाइन. अभी क्या हुआ, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अभी इसकी चर्चा एक बार फिर से चली है, जिसके बाद में अभी बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर ने इसको अपने यहाँ पे लागू भी कर दिया है. तो क्या संसद के अंदर कभी इसके बारे में बात हुई थी? जी हाँ, 2012 में संसद ने बोला था कि अगर कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ पे अगर इस कानून को लागू करना चाहता है तो वो कर सकता है, ये उसकी मर्जी है, ठीक है. तो यहाँ पे संसद में बात 2012 में हुई थी, अभी संसद के अंदर बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस कानून को लागू कर दिया गया. तो जम्मू कश्मीर ने इस कानून को क्यों लागू किया, तो जम्मू कश्मीर ने कहा कि हमारे यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है ना, हम इनके लिए इस कानून को लागू कर रहे हैं ताकि वो अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकें. अब आधे मन ही मन सोच रहे होंगे, हैं यार शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है, ओ शिट, पहले तो बराती नहीं आ रही, ऊपर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है. जी हाँ, शादी का भी रजिस्ट्रेशन होता है. ओके, अब मुद्दा ये आया कि शादी का रजिस्ट्रेशन तो कराया जाएगा, लेकिन शादी होने के कितने टाइम तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे कि आपको रिकॉग्निशन दिया जा सके कि हाँ भाई हाँ, ये क्या है, शादीशुदा है. तो फिर मैम ये तो मतलब पहले से भी तो होता होगा ना, मतलब अचानक से ये क्यों? तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट चलता है. क्या चलता है? हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी चलता है, 1955 से चला आ रहा है. लेकिन जो सिख कम्युनिटी है, इनकी डिमांड थी कि हमारे लिए ये जो कानून पहले बना था, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए था, इसी को लागू कर दिया जाए. तो इसलिए यहाँ पे इनको लागू किया गया, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है. अब ज्यादा मत हंसो, दांत निकल के बाहर आ जाएंगे, हंसे चले जा रहे हो, हंसे चले जा रहे हो, तो ये हो रहा है भैया. अब आधे तो इसी पिक्चर में खो जाएंगे, ये हूं मैं,
ये है मेरी वाली और बस यहाँ हो रही है हमारी शादी, है ना। चलिए तो ये यहाँ पे इसको कहाँ लागू किया गया, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू हुआ है। चलो सवालों पे आओ, बताओ देख रहे हो, पॉलिटी मैंने तुम्हें पढ़ाई थी ना, देखो सेम क्वेश्चन। सवाल में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के जब इलेक्शंस होते हैं तो इसमें कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 में आपको मिलता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा और पुडुचेरी की भी विधानसभा। लेकिन इन सब के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, डीपीएसपी जो है आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहा जा रहा है कि इसको कहां से लिया गया है। डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर एक्सप्लेन इन, अरे पार्ट 4A डीपीएसपी तो पार्ट 4 में है, पार्ट 4A ये तो मैंने अभी देखा, 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, पक्का बता लो इसका आंसर क्या होगा। डीपीएसपी पूछा गया तो आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इसके बारे में। द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, संसद जो है वो यहाँ पे किसको कंसिस्ट करती है। देखो पॉलिटी पढ़ने के नतीजे, और अभी शाम को 6 बजे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो वरना फिर जब पेपर आएगा फिर तुम ही रोओगे। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के संसद बनती है। नाबार्ड की स्थापना कब की जाती है, तो नाबार्ड बनता है 12 जुलाई 1982 में इसको फॉर्म किया जाता है। सिडबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगर आपसे सेबी पूछा जाएगा तो मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है। सिडबी बताइए, सिडबी बताओ, सिडबी ये तो नहीं है फिलहाल ये भी नहीं है और ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, 1990 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980, पहली बार जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया था तो उसमें आरबीआई भी था, लेकिन उसके बाद में जब दोबारा नेशनलाइजेशन किया जाता है तो वो 1980 में होता है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 12 बैंक देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा बैंक जो है वो है SBI। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 14 इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, अगली न्यूज आपके सामने। सवाल कहा जा रहा है पार्वती काली सिंध, ये दो नदियां हैं, इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो कौन से राज्य के द्वारा लाया गया है, तो एमपी और राजस्थान, कौन है, एमपी और राजस्थान। आइए बात करते हैं, देखो पहली एक नदी है पार्वती, ठीक है, और दूसरी नदी है काली सिंध, ये दो नदियां हैं, ठीक है, दो रिवर्स हैं। अब पहले तो हम इनके बारे में जान लेते ना, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। तो ये जो काली नदी आपको दिखाई दे रही है ये देवास डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, कहाँ से, देवास डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे आपको विंध्याचल या फिर विंध्या रेंजेस देखने को मिलती हैं एमपी में, ठीक है ना, यहाँ से ये निकलेगी। चलो ठीक है, आगे जाके ये क्या करती है, ये चंबल के साथ में जुड़ती है, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। अगली है पार्वती नदी, अगली कौन सी है, पार्वती नदी है। पार्वती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, शेहूर नाम की जगह से निकलती है, कहाँ से, शेहूर नाम की जो जगह है यहाँ से ये निकलती है, ये भी कहाँ है, ये भी है एमपी में, और ये आगे जाके किसके साथ में जुड़ जाती है, तो ये भी जुड़ती है चंबल के साथ में, कहाँ पर, राजस्थान, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। कौन सी वाली जगह हो जाएगी, वैसे जगह इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट फिर भी सवाई माधवपुर, कहाँ पे, सवाई माधवपुर, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। भाई क्यों जोड़ा जा रहा है, तो इन दोनों नदियों को जोड़ने का जो इन्होंने मेन लॉजिक बताया है, वो मेन लॉजिक ये बताया गया है कि हम इन दोनों नदियों को जब आपस में जोड़ लेंगे तो इसके जो बीच का एरिया है ना वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। साथ ही साथ में इन दोनों नदियों के पास में जो पानी आता है मानसून की वजह से, उसका इस्तेमाल हम बाकी एरिया पे कर सकते हैं, यानी कि राजस्थान का
जो कैनाल है वहां पे हम इन दोनों नदियों के पानी को जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, अप्रूवल दे दिया गया है। आने वाले टाइम में क्या होगा, इसके ऊपर एक डील साइन की जाएगी और इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए अप्रूवल किसने दिया है, पहले आए मोहन जी। अब मोहन जी आएंगे तो भजन तो होगा ही होगा ना, और फिर आए कौन, भजन जी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा राजस्थान और ये हो गया एमपी, इन दोनों लोगों ने ये अप्रूवल दे दिया। समझ गए हो, ये अप्रूवल जो है, ये दोनों अप्रूवल यानी कि दोनों अलग अलग स्टेट्स के द्वारा अप्रूवल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया कि इन दोनों का क्या होगा, संगम यानी कि मिलाप जो है वो किया जाएगा। अच्छा, एक और चल रहा है, केन और बेतवा। तो ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये यमुना की हैं या चंबल की, आप बताइएगा। इन दोनों को भी आपस में जोड़ा जा रहा है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इनका भी चल रहा है, फाइन। और ये प्रोजेक्ट तो जमानों से चला आ रहा है। क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसी के किनारे क्या है, पन्ना नेशनल पार्क। अब यहाँ की स्पीशीज को हटाया जाएगा और एक नई जगह आ रही है, दुर्गा, कौन सी, वीरांगना दुर्गावती नेशनल पार्क, यहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूवल मिल गया है, कुछ ही दिनों में इसके ऊपर सिग्नेचर भी हो जाएंगे और बस ये हो गया इनके बारे में। अच्छा, अब एमपी के अंदर एक और चीज शुरू हो गई है, ये बताओ लखनऊ वालों, लखनऊ महोत्सव घूम लिए हैं? चलिए, 5 दिनों का कुनू फॉरेस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कहाँ पे, एमपी के अंदर। तो दोनों न्यूज मैंने एक साथ आपके लिए जोड़ दिए हैं। ठीक है, कुनू, आप सबको पता है जब हम कुनू की बात करते हैं तो कुनू में क्या है, फॉरेस्ट्री एरिया है, और कुनू में ही आपको क्या मिलता है, नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये जगह जानी जाती है चीतों के लिए और साथ ही साथ में लेपर्ड्स के लिए, दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, और टाइगर तो मिलता ही मिलता है, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, नामीबिया से चीतों को यहाँ पर लाया गया था। कब आए थे ये, 17 सितंबर, पिछले साल आए थे। ठीक है, तो ये वही वाला कुनू नेशनल पार्क है एमपी के अंदर, जहाँ पे क्या हो रहा है, 5 दिनों का फॉरेस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कौन सा स्टेट, मतलब स्टेट तो एमपी है ही, जगह कौन सी होगी, श्योपुर। कई बार आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो क्या मतलब पहले से ही सेलिब्रेशन हो रहा है, नए सीएम, नए फेस्टिवल। तो ये पहला एडिशन है, दिस इज द फर्स्ट एडिशन जिसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा, तो 17 से लेके 21 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे इसका आयोजन का शुभारंभ किसने किया है, तो ऑब्वियस ही बात है मोहन यादव जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, हाँ, मोदी जी का बर्थडे था, बिल्कुल मोदी जी का बर्थडे था। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ नदियां देखने को मिलेंगी, यहीं पे बता देते हैं भाई, इस एरिया की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, इंदस है। इस जगह पे कौन सी है, गंगा है। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना है। यहीं पे यमुना के साथ में कौन सी जुड़ेगी, चंबल। कौन सी जुड़ेगी, चंबल जुड़ेगी। इस एरिया की प्रमुख नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पे देखो नर्मदा है, उसके बाद में तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। ये सारी की सारी नदियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इनका डेल्टा कहाँ बनता है, शाम को 6 बजे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, वहां पे आइए। ठीक है, चलिए भाई साहब, इस न्यूज में कुछ भी मत लिखना, चलो देख लो, सुन लो बस। अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद के अंदर बवाल, तो मतलब हर दिन की बात है, लेकिन काफी सारे लोगों को यहाँ पे क्या किया गया, टाटा बाय किया गया, सस्पेंड किया गया है। टोटल कितने एमपीज हैं, 92 एमपीज हैं जिनको अब तक सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा, क्या हुआ, क्या था, अरे कुछ नहीं हुआ था, वही वाली कहानी जो हुई थी संसद के बाहर। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके बाद में 2 लोग थे जो कि विंटर सेशन के अंदर क्या हो गया था, चल रही थी बहस या वहां पे चल रहे थे अलग अलग बिल, वहां पे 2 लोग कूद गए थे, तो उनके हाथ में था कैनिस्टर, तो वहां पे क्या हुआ था, उसको ओपन किया गया था। तो वो वाली जो बात हुई थी ना, उसी टाइम पे क्या हो गया था, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था कि संसद की सुरक्षा के लिए हम कुछ करते क्यों नहीं है। संसद
पार्लियामेंट की तो नई वाली बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमने आज तक क्यों कुछ नहीं किया? तो यहाँ पे जब पहले प्रोटेस्ट हुआ था तो 14 लोगों को सस्पेंड किया गया था, ठीक है। 14 में 13 लोग लोकसभा से थे और एक लोग राज्यसभा से थे। और इसमें सबसे पहले जो सस्पेंशन होता है वो किसका होता है? टीएमसी पार्टी, ड्रेक ओबेरॉय। क्या नाम था? ड्रेक, टीएमसी पार्टी, ठीक है। ये राज्यसभा के मेंबर थे। बेटा ये जो यहाँ पे ये राज्यसभा वगैरह हम लिखे दे रहे हैं ना, इसको हल्के में मत लेना। स्पेशली ये पुलिस का एग्जाम और जीडी का एग्जाम, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो ड्रेक चाचा थे ये कहाँ के मेंबर थे, पता चला वहां लोकसभा मार्क करके चले आओ। हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये राज्यसभा के मेंबर थे जिनको सबसे पहली बार सस्पेंड किया गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर से क्या हो गया? फिर से यहाँ पे लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब यहाँ पे 78 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अब इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब लोकसभा में से कितने हो गए? 33। राज्यसभा में से कितने हो गए? 45 हो गए। चलो ठीक है, लेकिन ये बार बार सस्पेंड हो क्यों रहे हैं? भाई साहब, इनका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं यानी कि जो अमित शाह हैं, वो अपना कोई स्टेटमेंट दें कि ऐसा कैसे हो गया। इनकी डिमांड ये है कि जो होम अफेयर मिनिस्ट्री हैं उनके साइड से कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, जबकि यहाँ पे अभी चल क्या रहा है, यहाँ पे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट इन लोगों का कहना है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें जो होम अफेयर मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनका स्टेटमेंट चाहिए कि उनका क्या कहना है यहाँ पे। हाँ मोए मोए हो गया उनके साथ से। उनका क्या कहना है? तो यहाँ पे जो डिमांड हो रही है वो है अमित शाह के स्टेटमेंट के ऊपर। क्यों अमित शाह ही क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होम अफेयर मिनिस्ट्री की ही होती है। तो इसके अंडर में क्या किया गया? इन लोगों के क्या हो गया? सस्पेंशन हो गया। चले ठीक है, सस्पेंशन तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बड़े सारे लोगों का, नाम आपको किसी का याद नहीं रखना है। लेकिन जो मुद्दा है यहाँ पे वो क्या है कि लोकसभा के अंदर 543 मेंबर, राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स, ठीक। यहां से कितने टाटा बाय बाय छाछा बाय बाय हुए हैं, तो वहां से भी 46 हो गए। कैलकुलेशन देख लेना भाई, मतलब मेरी गणित थोड़ी कमजोर है। यहाँ पे भी देखो 46 हो गए, तो दोनों जगह से क्या हो गया? बराबर हो गया। अच्छा कब तक के लिए सस्पेंशन किया गया? तो यहाँ पे जो रूल बुक है उस रूल बुक के अंदर एक रूल है, रूल नंबर 374A, आर्टिकल नहीं है ये, रूल है, रूल, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी का सस्पेंशन किया जाता है तो वो उतने पर्टिकुलर सेशन के लिए उसे सस्पेंड कर सकते हैं। यानी कि जो विंटर सेशन है ये खत्म होने वाला है, फ्राइडे को खत्म होगा, तब तक के लिए इन लोगों को चाचा बॉय कर दिया है, ठीक है। फ्राइडे को विंटर सेशन खत्म होगा, तब तक के लिए इनको टाटा बाय कर दिया गया है। तो अच्छा ये तो इतने सारे लोग हो गए है ना, 92। इससे पहले कब हुआ था? तो इससे पहले 89 में जब राजीव गांधी जी हुआ करते थे ना, उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था, और उस टाइम पे 63 मेंबर्स जो थे उनको सस्पेंड किया गया था। इसलिए अब तक के हिस्ट्री में ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। चलो छोड़ो उनको, हमें क्या करना है ना। चले अगली न्यूज की तरफ आते हैं। गोवा का लिबरेशन डे जो है वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये हो गया कब? 19th of December को। चलिए गोवा की कहानी तो आप सभी लोग जानते हैं, मुझे क्या बताना है, फिर भी बात कर लेते हैं। गोवा, गोवा के अंदर किसका साम्राज्य चलता था? पोर्चुगीज का साम्राज्य चलता था, सबको ये चीज पता है। पोर्चुगीज इनके द्वारा यहाँ पे कितने सालों तक रूल किया गया? तो करीबन 451 ईयर्स तक यहाँ पे रूल किया जाता है। जब बात आती है यहाँ पे 19th of December 1961 की, तब गोवा को फ्री कराया जाता है और भारत के साथ में इसको एक केंद्र शासित रूप के अंदर ज्वाइन करा देते हैं। लेकिन उस टाइम पे गोवा, दमन और दीव इनको फ्री कराया जाता है और इनको क्या बनाते हैं? यूटी बनाया जाता है। कब? 1961 में। लेकिन जब यहाँ पे इनको फ्री कराया जाता है तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पोर्चुगीज के जो गवर्नर थे वो कौन थे? हाँ जी बताइए, वसालो डा सिल्वा। क्या नाम था? वसालो डा सिल्वा। ये उस टाइम पे पोर्चुगीज के गवर्नर थे जिन्होंने यहाँ पे इस एरिया को फ्री किया था। भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? भारत ने चलाया था ऑपरेशन विजय, जिसके बाद में गोवा जो है वो पूरी तरीके से फ्री हो गया। लेकिन गोवा और दमन एंड दीव जब इनको फ्री करके भारत के साथ में जोड़ा गया
तो संविधान में एक संशोधन भी किया गया। ये संविधान संशोधन कब किया जाता है? 1962 में। 61 में अलग हुए थे, मतलब फ्री हुए थे, 62 में भारत के साथ में केंद्र शासित प्रदेश इनको बनाया गया। ठीक, अच्छा, तो फिर इनको राज्य कब बनाया गया गोवा को? तो गोवा को जो स्टेट का दर्जा दिया जाता है ये कब होगा? ये होगा 30 मई को। ईयर क्या होगा? 1987। यानी कि इनका जो स्टेटहुड डे है, इनका जो स्टेटहुड डे है ये कब होगा? ये होगा 30 मई। ठीक है, ये इनका स्टेटहुड डे है। इसको याद रखना कि यहाँ पे यूटी कब बना रहे हैं, अमेंडमेंट कब हो रहा है, स्टेट किसको बनाया गया, और दमन एंड दीव अभी भी यूनियन टेरिटरी है। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया गोवा का लिबरेशन डे, गो गोवा गॉन, है ना। चलो, ये तो हो गया गोवा। अब बताओ बेटा, इनका हैप्पी वाला बर्थडे बताना, तो इनका हैप्पी वाला बर्थडे जल्दी जल्दी आंसर करो, उसके बाद में तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे हम लोग मनाएंगे। हाँ जी, इनका हैप्पी बर्थडे कब होगा? पहला भाषा के आधार पर ये बनेगा, उसके बाद में इसको अलग से बनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का हैप्पी वाला बर्थडे बताओ, 20 फरवरी को होगा, 20 फरवरी को 1987। छत्तीसगढ़ का हैप्पी वाला बर्थडे बताओ, 1 नवंबर 2000 को इनका हैप्पी वाला बर्थडे। गुजरात 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र से अलग होके, ये एमपी से अलग होके, हरियाणा ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया 1966 में, पंजाब से अलग होके, किससे? पंजाब से अलग होके। झारखंड बिहार से अलग होके, किससे? बिहार से। तारीख कितनी होगी? 15 नवंबर 2000 ईयर। ठीक है, झारखंड। चले, अब यहां से स्पोर्ट्स की न्यूज है, फटाफट से देख लेते हैं। ये देखो भाई, अंडर 19 एशिया कप 2023। अब इसमें कुछ ही चीजें पूछी जाती हैं, है ना। पहली बार किसी टीम ने जीता है यहाँ पे, तो कौन से वो टीम हो जाएगी? तो ये टीम है यहाँ पे कौन सी? बांग्लादेश। आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज, अंडर 19 एशिया कप है 2023 का, कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है। कहाँ पर हुआ? यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया। कौन जीता? बांग्लादेश जो है वो यहाँ पे विनर बना है, पहली बार विनर बना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब बांग्लादेश ने इसको जीता है। हारा कौन है यहाँ पे? तो रनर अप कौन रहा? यूएई यहाँ पे रनर अप रहा है। लेकिन इस कप को भारत ने कितनी बार जीता है? तो इंडिया ने इसको 8 बार जीता है। तो 2 बार हम लोगों ने सोचा ठीक है, नो इश्यूज, कोई और जीत ले, हमें कोई दिक्कत ना है, है ना। तो यहाँ पे 8 बार किसने जीता हुआ है? भारत ने इसको जीता है। चले, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एशिया कप। अच्छा, एशिया कप अभी जो हुआ था इंडिया और ये सब वाला, तो ये एशिया कप कहाँ हुआ था? ये हुआ था श्रीलंका के अंदर। कौन जीता था? भारत जीता था। रनर अप कौन था? श्रीलंका रनर अप था। ओके, चले, जी हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी, हाँ, क्लास में अपने मोदी जी भी आए, मुझे पता है। विजय हजारे ट्रॉफी बताओ, हाँ करेक्ट सुरजीत, हरियाणा जीता है। हरियाणा, मुझे नहीं पता, तुम बता रहे हो हरियाणा जीता है, ऑल राइट, चलो ठीक है, मान लेते हैं हरियाणा जीता है। बट हारा कौन है ये भी तो बताने की होती है ना, राजस्थान आ रहा है। हार्दिक पांड्या भाई साहब, इनकी तो किस्मत ही खुल गई। अभी देखो आईपीएल वाली न्यूज आगे आएगी, अभी देखना। हार्दिक पांड्या बन गए कैप्टन, बताओ मुंबई इंडियंस। किसी इंसान ने इतनी मेहनत करके टीम को यहाँ पहुंचाया, उसको बाहर ही निकाल दिए। अगला बताइए, एडमिरल कप इटली जीता था, इंडिया हारा था। अगला, 13 हॉकी इंडिया सीनियर मेन चैंपियनशिप, सीनियर मेन चैंपियनशिप कौन जीता था? पंजाब जीता था। और शुभमन गिल गुजरात के आईपीएल में ये क्या बन गए? कैप्टन बन गए, शुभमन गिल। चले, ये देखिए नोवाक, और ये कौन है? सबलिंका। आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड अभी हाल ही में मेल कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड गया है नोवाक के नाम पर। यहाँ पे देखिए नेडाल का नाम लिखा है, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, नोवाक सर्बिया से बिलोंग करते हैं, फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, और एक आखिरी नाम है जोमिक थेम, ये रशिया। देख लेना, ये रशिया से ही है, तुम बताना।
तो ये यहाँ पर क्या है, किसको मिला है? नोबात को मिला है। पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो अवार्ड यहाँ पे दिया गया है ये किस फील्ड में दिया गया है। तो जो सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है टेनिस के फील्ड में, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो एक तरफ हम बात करेंगे मेल की और एक तरफ हम बात करेंगे फीमेल की। ओके, तो मेल में किसको मिला है? नोबाक को मिला है। यहां किसको मिला है? सेबलिंका को दिया गया है। नोबाक कहां से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये कहां से बिलोंग करती है सेबलिंका? तो ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। ओके, नोबाक की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, और बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, एक और ओपन जीता इन्होंने। कितना खुश है, शानदार, ऐसा लग रहा है इसकी फेवरेट है सेबलिंका। और कौन से जीता? यूएस ओपन जीता। ठीक, अच्छा इनकी बात करें तो इन्होंने क्या जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता। ये वर्ल्ड नंबर वन में है, मतलब रैंकिंग में नंबर वन पे है। ये वर्ल्ड नंबर टू पे है। तो वन पे कौन है? इगा स्वेटेक। वन पे कौन है? इगा स्वेटेक नंबर वन पे है। कहाँ से है ये? पोलैंड से है। और अभी एटीपी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक, इनके बारे में इतनी चीजें याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आपके पास में जवाब होना चाहिए। आइए बात करते हैं वन लाइनर न्यूज की। पहला, शेख मिशाल, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है कुवैत के अंदर। कुवैत की कैपिटल क्या होगी? कुवैत सिटी इसकी कैपिटल हो जाएगी। कहाँ पर है ये? मिडिल ईस्ट एशिया में है, मिडिल ईस्ट एशिया में है। अच्छा, इनका अपॉइंटमेंट क्यों किया गया है? इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर भी है इगा स्वेटेक। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी बताएं, क्यों अपॉइंटमेंट किया गया है इनका? बताएं। अभी किसी की डेथ हुई थी ना, अभी एक शेख जो थे उनकी डेथ हुई थी, अल अहमद अल शबा, उनकी डेथ हुई थी, उनकी जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है। अगला नाम, पेटा अवार्ड। अभी मैंने आपको कल परसों में पढ़ाया था कि पेटा अवार्ड जो है ये उसे दिया जाता है जिसने एनिमल वेलफेयर के लिए, मैं मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, एनिमल वेलफेयर के लिए काम किया हो। तो अभी हाल ही में दिया मिर्जा को अवार्ड दिया गया था। अब यहाँ पे क्या है, पेटा अवार्ड मोस्ट ब्यूटिफुल वेजिटेरियन। ये अवार्ड तो मुझे भी दे सकते थे, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, है ना, और तुम में से भी बहुत सारे वेजिटेरियन होंगे। तो यहाँ पे किसको मिला है? यहाँ पे जैकी श्रॉफ को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलो नेक्स्ट, उड़ीसा मास्टर 2023 सुपर 100, अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पे कौन जीते हैं? सतीश जीते हैं। और जो सतीश जी हैं, बस ये याद रखिएगा कि इनका नाम बैडमिंटन के साथ में जुड़ा हुआ है। बस यही नहीं पढ़ना था, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। देखो आईपीएल पहली बार 2008 में हुआ था, अभी फिर 2024 आएगा, फिर से आईपीएल होगा। तो अभी क्या हो रहा था? ऑक्शन चल रहा था। क्या हो रहा था? ऑक्शन चल रहा था, खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा था। तो जब से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है तब से इनकी लॉटरी लगी हुई है, है ना। तो अब तक के इतिहास में आईपीएल के ऑक्शन में किसी भी खिलाड़ी को 20 करोड़ के ऊपर नहीं खरीदा गया था, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड मौसम बहुत पीटे जाओगे तुम, बट यहाँ पे क्या हुआ है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने, आप अमाउंट देख सकते हैं, इतने करोड़ में, ये कौन है जानते तो हो गए तुम लोग इसको, की नाम है इसका बताएं, इसका नाम बताओ, तुम सबको इसका नाम पता होगा, मिचेल स्टार्क। कौन है ये? ये है मिचेल स्टार्क, इसको खरीदा गया है। और अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अमाउंट में इस खिलाड़ी को खरीदा गया। इतना ही नहीं, पैट कमिंस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, कौन? पैट कमिंस, ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, इसको भी खरीदा गया है। कितने में? 20 करोड़ में, इतने करोड़ में इसको भी खरीदा गया। इसको किसने खरीदा है? सनराइजर्स हैदराबाद। किसने? सनराइजर्स हैदराबाद ने इसको खरीदा है, देख रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, इनसे अच्छा तो रिंकू सिंह खेल रहा था, सही कहा तुमने, है ना, रिंकू सिंह ज्यादा अच्छा खेल रहा था। बताओ, ही वॉज अ मैच फिनिशर, बिल्कुल धोनी के तरीके से छक्के लगाता है, लेकिन अब क्या बताएं। तो इनको खरीदा गया भैया, याद रखना कि कितने अमाउंट में खरीदा गया है। 2024 में अभी आईपीएल आएगा, पहली बार इसमें हुआ था, 5 बार कौन जीता है? मुंबई इंडियंस। 4 बार कौन जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स जीता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पिछली बार ऑरेंज कैप किसको मिली थी? शुभमन
गिल को मिली थी, पर्पल कैप किसको मिली थी, शामी को मिली थी। ओके चलो अब जो है सो है। पांच बार चेन्नई कब जीता, हाय पांच बार हो गया है पक्का, क्या तुम लोग आगे वाला जोड़ के बता रहे हो। चलो अच्छा पहली बार कौन जीता था, राजस्थान रॉयल्स। पहली बार कौन था, पहली बार राजस्थान रॉयल्स है। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, सीएसके तो ऑल टाइम फेवरेट है ही सबकी, है ना। चलिए आइए रिवीजन पे चलते हैं। मालदीव्स ने अभी हाल ही में इंडिया के साथ में अपनी एक डील को कैंसिल आउट किया है, इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट को कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी आकाश मिसाइल को लॉन्च किया गया था, इसका टेस्ट फायर हुआ था, एक साथ चार जगह को टारगेट किया गया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे भी फेवरेट हैं, शेन वॉन थे, करेक्ट 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 शिशिर। अगला देखिएगा, सूरत डायमंड ये कहाँ पे आया, गिफ्ट सिटी सूरत के अंदर। नेक्स्ट एट्थ ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ, गुवाहाटी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर इसका आयोजन किया गया। अगला डिफेंस सिस्टम मिसाइल अभी हाल ही में लॉन्च की गई डीआरडीओ के द्वारा, जिसका नाम क्या है, समर इसका नाम है। अगला है स्वरदेव महामंदिर, ये क्या है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, कहाँ पे खोला गया, वाराणसी के अंदर इसको ओपन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, एआई मॉडल अनवील ओला, क्या नाम रखा गया इसका, कृत्रिम इसका नाम रखा गया, बेंगलुरु के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अगला इंडिया स्टेट जहां की इकोनॉमी दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है, तो सेकेंड है ये और पहली है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो है कब मनाया जाता है, तो आज भी मैंने आपको पढ़ाया 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑलराइट, ये आपका आज का होमवर्क जो कि आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना है, ठीक है, और सेशन को लाइक वाइक करने की भी होती है। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी देखो ये पैक ज्वाइन नहीं किया है, तो ये 2 सालों के लिए आपको इतने अमाउंट पे मिल रहा है, फाइन, तो आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर पाओगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा कि शाम को आपका क्लास चल रहा है ना, सीधे कहाँ जाना है, एसएससी वाला चैनल पे जाना है, राइट। चैनल पे जाने के बाद में आप देखोगे तो शाम को आपका 6 बजे का जो क्लास है वो आपको स्किप नहीं करना है। उसके अलावा शाम को 8 बजे भी आप लोगों के लिए सेशंस होता है, जैसे कि कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो मैंने आज इस वाले सेक्शन को न्यूज में नहीं लिया क्योंकि कल मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने ये पढ़ाया नहीं है, मैंने इसको शाम को ही पढ़ा दिया था, आई होप कि आपने देखा हो, बट आपने देखा नहीं। चले ये है, अरे लो ऐसे थोड़ी ना होता है, चले गए तुम। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक होगा पठार, ठीक है ना, तो क्लास में समय पर पहुंचिएगा, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में समय पर आइएगा। चले टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, मिलते हैं शाम को 6 बजे और फिर शाम को 8 बजे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।